हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। एक और न्यू रीडिंग के साथ मैं आ गई हूँ। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सभी अच्छे हैं, खुश हैं और अपनी लाइफ में भी आगे बढ़ रहे हैं। तो अभी जो रीडिंग करने वाली हूँ मैं आप सभी लोगों के लिए, जानेंगे जिनके बारे में आप सोच रहे हैं वो इंसान आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। तो कोई भी हो सकता है ये इंसान जिसके लिए आप पर्टिकुलर सोचते ही हैं, दिन हो या रात, लाइक 24/7 आप जिस भी पर्सन के बारे में सोच रहे हैं वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, ये हम यहाँ पर जानेंगे। तो शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि ये जर्नल रीडिंग है, तो हो सकता है सभी के साथ रेजोनेट हो, सकता है ना हो। सो प्लीज़ कीप एन ओपन माइंड एंड ये रीडिंग टाइमलेस है, तो जब भी आप यहाँ तक पहुँचे आप देख सकते हैं। अगर आपको अपने लिए पर्सनल रीडिंग बुक कराना है तो इसका भी ऑप्शन है। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरा इंस्टाग्राम आईडी का लिंक मिल जाएगा, तब आप मुझे वहाँ जाकर DM कर सकते हैं। प्राइजेस और डिटेल सब कुछ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है, तो अच्छे से पढ़कर मुझे कांटेक्ट करना। चलिए अब देखते हैं कि क्या सोच रहा है वो पर्सन जिसके लिए आप ऑल द टाइम, जो आपके माइंड में है, दिमाग में है ऑल द टाइम। ओ वाओ, कार्ड्स तो काफी अच्छे आ रहे हैं आपके लिए। दो दो एसिस के कार्ड्स हैं हमारे पास एंड यहाँ से अथॉरिटी का कार्ड है। थोड़ा सा तो देखो ये इंसान अपनी चलाते हैं, ठीक है। इनको ऐसा लगता है कि जो ये सोचते हैं वही ठीक है, और चलो कोई बात नहीं। फिलहाल के लिए कार्ड्स जो आए हैं यहाँ, तो देखो दोनों ही कार्ड्स में दोनों के हाथ दिख रहे हैं और पकड़ा हुआ है हाथ, है ना। तो क्या सोच रहा है ये इंसान? ट्री ना एक फैमिली बताता है, जिस फैमिली, और इस ट्री पर तो फ्रूट्स और बटरफ्लाई भी है, ठीक है। ये इंसान आपके साथ फ्यूचर देख रहा है, अपनी लाइफ देख रहा है, ठीक है, मैरिज देख रहा है। ये आपके साथ पार्टनरशिप चाहते हैं। हो सकता है आप लोग डिफरेंट कास्ट या फिर डिफरेंट कंट्री से भी हो सकते हो, लाइक लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है आपका कनेक्शन, लेकिन ये कनेक्शन बहुत ट्रू है, ठीक है। यहाँ पे ट्री है, इतना ग्रीन ट्री, बहुत ज़्यादा हरियाली लगी हुई है और फूल आए, फल आए हुए हैं इसमें। तो और यहाँ पर देख रहे हो आप किस तरीके से एक कि कभी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ना, इस तरह की थिंकिंग है इस पर्सन की, क्योंकि इसको लगता है कि ये बहुत पावरफुल कनेक्शन है आपके साथ जो भी, और ये कम्युनिकेशन करना चाहते हैं आपके साथ। अगर यहाँ पे कम्युनिकेशन नहीं है आप दोनों के बीच में, तो बहुत जल्दी स्टार्ट हो सकता है, क्योंकि एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, ये कम्युनिकेशन दिखा रहा है। हालांकि इसकी लाइफ में अभी भी स्ट्रगल है, अभी भी बहुत चीज़ें ऐसी हैं जो इसको सॉल्व करनी है, लेकिन अब इन प्रॉब्लम्स की वजह से ये इस कनेक्शन को और ज़्यादा हाइड नहीं कर सकते, अपनी फीलिंग्स को हाइड नहीं कर सकते। तो ये तो मुझे आते हुए दिख रहे हैं आपकी लाइफ में। और देखो ये वाला कार्ड भी ना मैरिज कार्ड है। वाओ, वी हैव 3 मैरिज कार्ड्स हियर, तीनों ही भी ना मैरिज कार्ड है। यहाँ तो पूरी फैमिली दिख रही है आपकी बनी हुई ना इस पर्सन के साथ। तो 1, 3 और 4 नंबर। वाओ गाइस, बहुत अच्छे कार्ड्स हैं ये, फैमिली ही बनती हुई दिख रही है। और ये इंसान मुझे आपके पास आते हुए दिख रहे हैं। अभी थोड़े जिद्दी वाले टाइप के इंसान हैं, लेकिन फिर भी आपके बीच में काफ़ी रिस्पेक्ट है एक दूसरे के लिए, प्यार भी है, और सबसे अच्छी बात है कि ट्रस्ट है। ये कार्ड ट्रस्ट भी बताता है, ये कार्ड भी ट्रस्ट बताता है। ये तो ब्लेसिंग बता रहा है कि भगवान की दी हुई ब्लेसिंग्स हैं आप दोनों के पास ना इस कनेक्शन को लेकर। तो बहुत अच्छा टाइम आप दोनों अट्रैक्ट कर रहे हो अपने कनेक्शन में। ये इंसान आपके साथ फैमिली बनाने के लिए ही सोच रहे हैं, शादी वगैरह, ठीक है, कमिटमेंट देने का सोच रहे हैं। हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन, तो कॉन्वर्सेशन तो तभी होगा ना जब ये कम्युनिकेशन ब्लॉकेजेस ख़त्म होंगे, और ये बिल्कुल ख़त्म कर सकते हैं ये जो ब्लॉकेजेस आए हुए हैं, क्योंकि ये चाहते हैं कि एक ऑनेस्ट डिस्कशन आप दोनों करें, जो भी गलत हो रहा है या जो ठीक करना चाहते हो वो सब हो जाए जल्द से जल्द। तो हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन का कार्ड है, और ऑनेस्टली डिस्कस योर फीलिंग विद ईच अदर। क्योंकि अभी और ज़्यादा हाइड नहीं कर सकते अपनी फीलिंग्स को। और जो भी कार्मिक सिचुएशन, कार्मिक पर्सन इनकी लाइफ में है, ये उन्हें भी रिलीज कर रहे हैं, ताकि बहुत जल्दी आपके साथ ये कॉन्वर्सेशन स्टार्ट कर सकें, बिकॉज आप दोनों एक दूसरे के सोलमेट हो। येस, दिस इज़ योर सोलमेट। इसको ये फील होता है कि आप इसके सोलमेट हो।
कोडिपेंडेंसी, थोड़े से एडिक्शंस यहाँ पर बचे हैं अभी भी, ये सॉल्व होते ही सब कुछ अच्छा हो जाएगा, बट दिस कुड बी द वन. यू हैव ऑलरेडी मेट द रोमांटिक पार्टनर यू सीक, सोलमेट. वर्थ वेटिंग फॉर, थोड़ा वेट कर सकते हो आप इस इंसान का, क्योंकि वेट करना बिल्कुल वर्थ ही होगा. ऐसा नहीं है कि आप टाइम वेस्ट करोगे. जब तक कि अपनी नेगेटिव एनर्जी, पास्ट एनर्जी रिलीज़ कर रहे हैं, तब तक आपको वेट करना पड़ सकता है इस इंसान का. ठीक है, थोड़े एडिक्शंस भी हैं यहाँ पर इस पर्सन के साथ. थोड़ा सा वेट करो, वेट आप कर भी लोगे, क्योंकि अगर यूनिवर्स चाहते हैं आपको वेट करवाना तो आपको करना भी पड़ेगा, करना ही पड़ेगा अगर यूनिवर्स का ऑर्डर है तो. लेकिन जो भी है, आप पॉजिटिव रहो ना, जब तक कि देखो इस इंसान की थिंकिंग इतनी पॉजिटिव है और सिचुएशन पॉजिटिव दिख नहीं रही, लेकिन इस इंसान की थिंकिंग पॉजिटिव है, तो आप थोड़ा पॉजिटिव रहो, सही टाइम आने का वेट कर लो. अगर आप चाहते हो वेट करना तो कर लो, नहीं होता तो आप मूव ऑन हो जाओ, फिर ये रीडिंग आपके लिए नहीं है. लेकिन थोड़ा पेशेंस तो देखो रखना ही पड़ेगा. मैसेज देख लेते हैं थोड़े यहाँ से, क्या मैसेजेस आएंगे. चलो पढ़ना शुरू करते हैं. आई वॉन्ट यू इन माई आर्म्स. अच्छा मैसेज है पहला. ट्रू लव हैज़ अ हैबिट ऑफ कमिंग बैक. गाइज, अगर आपका ट्रू लव है ना, तो वापस तो देखो आ जाएगा. टेंशन क्यों ले रहे हो आप लोग? सोलमेट्स हो तो फिर टेंशन क्यों ले रहे हो इतना? जो भी होगा अच्छा ही होगा, कम्युनिकेशन भी स्टार्ट हो जाएगा. और यहाँ से भी देखो ना कितना अच्छा फैमिली कार्ड है ये, तो चीज़ें तो देखो ठीक हो जाएगी. बस थोड़ा सा ना आपको पेशेंस रखना है, क्योंकि यहाँ पे वेट वाला कार्ड आया है. यहाँ पे डायरेक्ट ही बोला है कि वर्थ वेटिंग फॉर. ठीक है, आप दोनों सोलमेट्स हो, तो अगर आप वेट कर सकते हो पा रहा है आपसे वेट, तो कर लो, वरना आप मूव ऑन कर लो. मूव ऑन इसलिए कह रही हूँ क्योंकि अगर आप चाहते हो मूव ऑन करना, तो ये रीडिंग आपके लिए नहीं है. बिकॉज यहाँ पे देखो ये भी बोल दिया उन्होंने, ट्रू लव हैज़ अ हैबिट ऑफ कमिंग बैक एंड देन वर्थ वेटिंग फॉर. डिवाइन टाइमिंग इज एट वर्क इन योर लव लाइफ. क्लियर है? तो ये चीज़ें आ रही हैं आपके लिए. चलो अब मैसेज और पढ़ते हैं, देखते हैं क्या है. आई नो वी आर बींग स्पिरिचुअली गाइडेड. सी आई हैवन गिवन अप. आई विल ऑलवेज कीप यू सेफ. अभी नहीं लग रहा होगा, बट वेट करो. देखो जब डिवाइन कह रहे हैं वेट करने के लिए. Give me a chance to love you and I promise I'll do my best to make you smile every day. Wow. Hope aisa hi ho. Last night I thought about you before I fell asleep. Dekha, soch raha hai insaan aapke bare mein. I had a dream of you last night. Wow. Socha bhi aur phir dream bhi aa gaya aapko. Aap ho sakta hai aapko bhi dikhe ho ye person dream mein. My nerves have been getting the best of me. Apna inner work kar rahe hain acche se. Life is a lot more fun when you are around. My higher self is trying to reach you. I have a lot of gratitude for you. I'll be with you soon, I promise. जल्दी होगा, लाइक कम्युनिकेशन स्टार्ट, ये जो हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन है ना, ये जल्दी आ जाएगा, क्योंकि ये बोल रहे हैं I'll be with you soon, I promise. Our new beginning is so close. देखा, our new beginning is so close. I'm not the best, but I promise to love you with my whole heart. The best, you the best I ever had. एक और मैसेज बचा हुआ है, इसे भी देख लेते हैं. There is a third party involved. तभी तो ये वाला कार्ड था ना, कुछ release your ex. Third party involved है तो उसको release कर रहे हैं ये, don't worry. अब जैसे भी आपके सामने आपका कनेक्शन है, कार्ड्स हैं, अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हुई है तो वेल एंड गुड, आप वेट कर सकते हो. नहीं रेजोनेट हुई है तो फिर आप इस रीडिंग को फॉलो मत करना. ओके, सो गाइस अभी के लिए बस इतना ही. आई होप कि काफ़ी सारी क्लैरिटी मिल गई होगी. सो बाय बाय, टेक केयर.